वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, उनको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिसाइजिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी, जो कीमत विभेदीकरण है वो क्या होता है, कीमत विभेद। तो देखिए, जब किसी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की जो प्राइस हैं वो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग ली जाएं, या एक ही प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अलग अलग मार्केट में अगर अलग अलग वसूल की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेज इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बाज़ार में अलग अलग कीमत अगर ली जाए तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है सेकंड, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी शोज दैट इट्स डिमांड इज, यदि किसी वस्तु का जो मांग वक्र है वो कैसा है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स अक्ष समानांतर हम कह सकते हैं। तो इसी कंडीशन में वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, वो किस प्रकार की होगी। तो जब डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिमांड है, मांग है, वो कैसी होती है, पूर्णतया लोचदार होती है, परफेक्टली इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है थर्ड, ए मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस ही चार्जेस फॉर हिज प्रोडक्ट, ही विल बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय देखिए, एक मोनोपोलिस्ट हैं, एकाधिकारी हैं, जो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की जो कीमत उसका उसका पूरा कंट्रोल है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने प्रॉफिट को किस प्रकार से अधिकतम कर सकता है। तो देखिए, जब मोनोपोलिस्ट जो हैं, एकाधिकारी हैं, उसका अपनी वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई है, उस पर फुल कंट्रोल होता है, उसकी प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अधिकतम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कम करनी पड़ेगी। कब, जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है, लोचदार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लोअरिंग द प्राइस, उसको प्राइस कम करने पड़ेगी, इफ द डिमांड कर्व इज इलास्टिक, जब डिमांड कर्व कैसा है, इलास्टिक है। क्योंकि डिमांड इलास्टिक होने का मतलब क्या हो गया, लोचदार होने का मतलब क्या हो गया, कीमत में परिवर्तन से मांग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए जब अपने प्रोडक्ट की वो प्राइस कम करेगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। डिमांड बढ़ेगी तो सेलिंग ज़्यादा होगी, जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, द प्राइस विच इज नेसेसरी टू रिटेन ए गिवन यूनिट ऑफ ए फैक्टर इन ए सर्टेन इंडस्ट्री मे बी कॉल्ड इट्स ट्रांसफर अर्निंग्स और ट्रांसफर प्राइस। एक हमको यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, हस्तांतरण आय की या हस्तांतरण कीमत की। तो ये जो डेफिनेशन है वो किस इकोनॉमिक्स ने दी है, ये हमको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर लिप्से की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा है, द रियल एम ऑफ प्रोडक्शन इज, उत्पादन जो है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, वो किस लिए करता है, कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, जो लोग हैं, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो वांट से उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स, लोगों की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जिनका साथ साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, एक के बिना दूसरे का यूज़ हम नहीं करते हैं, वैसी गुड्स कौन सी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो पूरक वस्तु, उनके संदर्भ में क्या होगा, जब एक की प्राइस बढ़ती हैं तो जो डिमांड है वो दूसरे की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है, नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ऋणात्मक या विपरीत संबंध। इसलिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, मांग की आड़ी लोच, तिरछी लोच किस प्रकार की होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, नेगेटिव।
नेक्स्ट हमारा है सेवंथ, एन आइसो कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स, सम लागत रेखा जो होती हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं, आइसो कोस्ट, सम लागत। सम लागत का मतलब क्या हो गया, उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो दो साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे लेबर एंड कैपिटल का प्रयोग किया जा रहा है, तो जो आइसो कोस्ट लाइन है वो क्या बताती है, इन दो साधनों के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, विभिन्न संयोग, जहाँ पे लागत क्या आती है, सेम आती है, इक्वल आती है, समान आती है, फर्म के लिए लागत क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स विच कॉज द सेम अमाउंट टू ए फर्म, ऑप्शन बी, जब जो लागत है ठीक है वो क्या है, समान है, दो साधनों के ऐसे संयोग जहाँ पे लागत क्या है, समान है। आइसो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, समान लागत। नेक्स्ट हमारा है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ओनली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, कि कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पत्ति हास नियम लागू होता है, तो ऐसा कौन मानते थे। तो देखिए जब हम मार्शल की बात करते हैं तो मार्शल ने जो उनके जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, जो सिद्धांत दिए, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, एग्रीकल्चर में। और मार्शल को एक तरह से हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उसमें एक तरह से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो एप्लीकेबल होता है, ऐसा मार्शल ने बताया था। नेक्स्ट हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से बनता है, यू शेप का बनता है। तो जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, हैज द शेप ऑफ द अल्फाबेट यू, आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टेंथ, द मूवमेंट अलोंग एन इनडिफरेंस कर रिफ्लेक्टिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ चीपर प्रोडक्ट फॉर मोर एक्सपेंसिव वन, कि जब इंडिफरेंस कर्व पर हम क्या करते हैं कि किसी महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का जो प्रयोग है वो बढ़ाते हैं, उसके लिए अगर मूवमेंट होता है, तो ये एक तरह से किसको बताता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताता है, प्रतिस्थापन प्रभाव इसको हम कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा ये। नेक्स्ट हमारा है 11, ए प्रोडक्ट that enjoys rapidly growing demand over time is likely to be, कोई वस्तु है ठीक है जिसकी डिमांड एक तरह से क्या हो रही है, हमेशा बढ़ती जा रही है, तो इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे। तो देखिए ऐसी कौन सी वस्तु होती हैं जिसकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ साथ में हमेशा बढ़ती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु कहते हैं, नॉर्मल गुड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉर्मल गुड। नेक्स्ट हमारा है 12th, आफ्टर रीचिंग द सेचुरेशन पॉइंट कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कॉजेज, कि जब हम पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है, और जब हम इस बिंदु पर पहुंच चुके होते हैं, ठीक है जो अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है, तो इस बिंदु के बाद में भी अगर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का जो प्रयोग है वो बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि जो टोटल यूटिलिटी वो कम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेक्स्ट है 13, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स पैमाने की मितव्ययताएं जो होती हैं उसका मतलब क्या होता है। तो पैमाने की मितव्ययता का मतलब है जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है, प्रति इकाई लागत है, वो क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 14th, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज ऑलवेज, कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म है उसमें दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में कीमत किस तरीके से होगी। तो ये देखिए हमारा ए आर और एम आर कर्व है,
ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और लॉन्ग रन में क्या होता है जो एवरेज कॉस्ट कर्व हैं वो भी इसके इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस हैं, ठीक है, ये हमारी जो प्राइस हैं वो किसके इक्वल होती हैं, एल ए सी के इक्वल होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इक्वल टू एल ए सी। नेक्स्ट हमारा है 15, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कर्व जो है वो घटता हुआ होता है, तो ये किसका एग्जांपल है, एक तरह से ये किसको बताता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। Thank you.